How was your vacations, Archana ji? Mine was very good. Apni bata. I was in Canada. I was in New York. Oh yeah, मेरे पैर पे खारिश हो रही है एक सेकंड. नए shoes लिए ना एयरपोर्ट से. थोड़ा होता है. Very nice. अर्चना जी, अभी हाल ही में हमारे जो इसरो के वैज्ञानिक हैं, उनका मंगल तक पहुंचने का जो मिशन है वो पूरा हुआ है. Yes. और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस मिशन में सबसे ज्यादा महिला वैज्ञानिक शामिल थी. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. आप तो सब जानते हैं कि औरत अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो वो उसको करके ही दम लेती है. और ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है. अच्छा अर्चना जी, इतना टाइम हो गया, अब तो बता दो सिद्धू जी को बांध के कहाँ रखा है आपने. यहाँ नहीं आ सकते वो. एनीवेज, सो इसरो की इसी कामयाबी पे एक फिल्म बनी है, मिशन मंगल. आज के हमारे गेस्ट भी इसी फिल्म से हैं. तो सबसे पहले मैं जिनको यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ, इनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है. अपनी एक्टिंग, एक्शन, लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन से हर एक दिल में अपनी जगह बनाने के बाद ये मंगल ग्रह तक जा पहुंचे हैं. मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड फिल्मों के इकलौते खिलाड़ी की. जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम सुप्रीमली टैलेंटेड, सुप्रीमली डैशिंग बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार एंड वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा. सोनाक्षी, मुझे आप एक मंथली पास दे दो. एक रूम ले लो इधर. आई थिंक हाँ, एक देखना पड़ेगा मुझे कमरा यहाँ पर ही कहीं पे. सो हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आपका स्वागत है. बैक टू बैक सोनाक्षी सिन्हा इज देयर. गाइस, ये प्यार नहीं तो और क्या है. बोल रही हूँ मैं, रक्षाबंधन आ रहा है, ये बहन भाई का प्यार ना सबसे बेस्ट प्यार होता है. इससे बड़ा कोई प्यार होता ही नहीं है लाइफ में. मैं भी बातें करके एंजॉय करता रहता हूँ, मुझे भी पता ही है. अपनी भी शादी हो ही चुकी है तो क्या है. आज तो कपड़े भी एस्ट्रोनॉट वाले पहने हैं. आई नो, यू नो मैं हमेशा कैरेक्टर में आती हूँ. सोनाक्षी, अक्षय पाजी कहाँ हैं? वो होंगे ना कहीं मार्स वार्स पे. मतलब ऊपर से एंट्री मारेंगे? हाँ. अक्षय कुमार का और कहाँ से एंट्री मारेंगे. राइट, तो आइए हम सब देखते हैं वो कैसे एंट्री मारते हैं. पीटर, तुम लोग मुझे नीचे ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ खड़ा. एक बार जोरदार ताली अक्षय बाजी के लिए. बाजी वेलकम. क्या हाल है? How are you? I got a shock. देश को उठाओ. ये पाजी, आपने इसमें आना नहीं था तो हमारा क्यों खर्चा कराया आपने? अच्छा, निकाल दी. कमाल की बात यह है कि इनके डायरेक्टर, इनके जो जय, उन्होंने ये आइडिया दिया. ये घिनौना आइडिया इन्हीं का था. आपको लगता है कि मैं, मेरी इतनी मजाल कि मैं ये सब चीजें बताऊं और ये लोग खर्चा करें? और खर्चे की बात अभी देखना, कहीं ना कहीं ये निकालेगा कि मेरा नाम फोर्ब्स में आता है, मैं कहीं कुछ खर्चा करता हूं, मैं इतने पैसे कमाता हूं. 52 शो, साल में 52 शो करता है.
और हर शो के उतने ही पैसे लेता है जितने मैं लेता हूँ एक फिल्म के. मेरे सिर्फ बेचारे के चार होते हैं. जरा सी छुट्टी मिलती है कनाडा होके आता है. ये तो छोड़ो, वो कृष्णा वो एले गया था. इतने पैसे कमाते हैं फिर भी नजर दूसरों पे रहती है. पाजी इस बार ना मैंने अपनी टीम को बोल दिया है कि आप साल में चार फिल्में करो या छह करो, आप 40 करोड़ टैक्स भरे या 100 करोड़, आपने गाड़ी नहीं ली या बंगला, कोई ये बात नहीं करेगा. कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा. इसके बारे में कोई नहीं बात करेगा. बिल्कुल नहीं. खाली अर्चना जी पूछ रही थी कि पूछना अक्षय का मंगल पे प्लॉट है क्या. बिल्कुल बिल्कुल, मेरा एक्चुअली मंगल पे प्लॉट है. क्या लगता है, इसीलिए तो फिल्म बनाई है वहीं तक. प्राइम प्रॉपर्टी. एक बार जोरदार तालियां हो जाए अक्षय पाजी के लिए. और ये जिन्होंने टांगा है ऊपर उनके लिए भी ले जाओ. अब इसको अगले शो में किसी और के साथ करेंगे ट्राई. कहाँ मिलीन? इधर. कैसा है तू? मेरा पड़ोसी है. हैं? जब मैं इतने पैसे आपके पास, इनके पड़ोस में रहते हो आप? मिलीन इकड़े ना, वर्ती है, वर्ती है. कहाँ घाबरों को? मिलिंद देशपांडे, ये मेरा बचपन मेरा इसी के साथ गुजरा है. कुछ मिलिंद जी चाहेगा? मिलिंद वेलकम. कैसे अक्षय पाजी के साथ हैं? सुना ये पढ़े पाजी आपके साथ मिलिंद जी? इनकी स्कूल तो डॉन बॉस्को थी. अच्छा. ये बहुत दूर जाया करते थे, लेकिन इनकी एक याददाश्त मुझे जरूर अभी भी आ रही है. वो ये मुझे बहुत पीटा करते थे. पाजी बचपन से आप हिंसक थे. बिल्कुल बिल्कुल, उसी से तो मैं आगे बढ़ा हूँ. बिल्कुल. मार्शल आर्ट कर करके इन्हें पीट पाट के ऊपर आगे, इसलिए तो बढ़ा हूँ. कुछ चार पांच दोस्त हैं, मेरा सारा बचपना इन लोगों के साथ गुजरा है. और आज भी मतलब ऐसा एक महीना नहीं जाता कि मैं एक बार इनके बिल्डिंग में ना आऊँ. मेरे बचपन की सारी यादें इन लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं. सो नाइस ऑफ यू मिलिंद जी, आप अभी भी अक्षय पाजी को भूले नहीं है. एक्चुअली हम उसे कभी भूल नहीं पाएंगे. वैसे ये अक्षय बुलाता भी नहीं है, ये राजू बुलाता है. अच्छा. आपका नाम राजू भी है पाजी? हाँ राजू है. आई मीन आई कांट एक्चुअली एक्सप्रेस मायसेल्फ हियर. थैंक्स अक्षय. अरे पाजी फिल्म में चश्मा लगा के आप फॉर्मल ड्रेस पहन के एकदम साइंटिस्ट लग रहे हैं. पाजी जब पढ़ते थे आप स्कूल कॉलेज में, तब आपको साइंस पसंद थी वैसे कि नहीं? आपको साइंस का वैसे याद है कुछ? हाँ मतलब थोड़ा बहुत है. जो मैंने मुझे अपनी डिस्कवरी याद है, जो मैंने छोटी डिस्कवरी की थी. क्या? मेरे पिताजी ने मुझे एक ट्रांजिस्टर गिफ्ट किया था. अच्छा. मेरे बर्थडे पे. सो उस वक्त ट्रांजिस्टर आता था 175 रुपये, और बहुत बड़ी बात होती थी एक ट्रांजिस्टर अपने पास होना. और मैं लेके घूमता था ट्रांजिस्टर को. और फिर करीबन 3-4 दिन बाद मैंने बोला, डैडी ये देखो मैंने डिस्कवर किया है, ये देखो ये चिपकता है. यूँ फेंका तो लोहे का कवर्ड था तो जाके चिपक गया, तो मैग्नेट था बेसिकली. तो आई डिस्कवर्ड अ मैग्नेट. मैं बोला, डैडी ये मैंने डिस्कवर किया मैग्नेट. तो बड़े कहाँ से लिया? तो मैंने क्या, वो रेडियो तोड़ दिया, तोड़ के अंदर से मैग्नेट निकाला था. तो मुझे अभी भी याद है, मुझे दो थप्पड़ पड़े थे इसके लिए, क्योंकि 175 रुपए का मैंने तोड़ के उसमें से मैग्नेट निकाला था. मुझे पता नहीं क्यों तोड़ दिया, समझ में नहीं आया मेरे आज तक. बस लेकिन ये था कि तभी से बचपन से ही एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा शौक था. एक्सपेरिमेंट करने, तोड़फोड़ का शौक था? नहीं, तोड़फोड़ तो था ही था, लेकिन डीकंस्ट्रक्ट अपने आप को करना बहुत शौक था. अब इसको बताओ डीकंस्ट्रक्ट का मतलब? रीकंस्ट्रक्ट, दोबारा बनाना चीज का. आई नो दिस मच इंग्लिश. I'm a Canada returned dude. पाजी हर किसी का एक मिशन होता है. आप दोनों का इस साल का मिशन क्या है पाजी? मेरा मिशन है by the end of this year मैं अक्षय कुमार की तरह हो जाऊं, साल में 4 बार इस शो पे आऊं. दो फिल्में पाजी इनकी आ चुकी हैं, तीसरी मिशन मंगल, दबंग 3 आ रही है दिसंबर के आसपास. चार हो गए. चार तो हो गई, अगस्त में 3 आ गई. पाजी ये वैसे हैं लड़कियों के, अक्षय कुमार बड़ी तोड़फोड़ वाली फिल्में की इन्होंने. वैसे जो अगली हीरोइन आएगी जो पीछे खड़ी होगी अभी, हाँ वो भी यही कह रही है, उसने भी 4-5 फिल्में करने का एकदम बीड़ा उठा रखा है. अच्छा. वैसे मैं तो चाहता हूँ कि लोग और फिल्में करें, हमारी इंडस्ट्री में और फिल्में आए.
मतलब पैसा कमाएं, हैं, वर्करों को और ज्यादा काम मिले, सेट बने, और सारे स्टूडियोज आए, बहुत सारे थिएटर्स बने. नहीं, जरूरी नहीं, अच्छा लगता है साल में, दो साल में एक फिल्म करना. नहीं, बताओ हैं? मेरे को बोल रहे हैं? So sweet. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.